हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीजीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जो भी परीक्षा अपडेट्स होते हैं वो आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें रेगुलर अपडेट्स के लिए। इसके अलावा जो यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करें। वहां पर हम रेगुलर क्विज पोस्ट कर रहे हैं जिससे आपकी तैयारी काफी अच्छी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। इसकी बात लगातार काफी समय से की जा रही थी कि पीसीएस से आप ऑप्शनल हटाइए, क्योंकि इससे काफी ना काफी जो मानविकी विषय के या मानविकी वर्ग के छात्र और छात्राएं होते हैं उनको काफी नुकसान होता है। और हाल ही में बिहार पीसीएस से भी इसको हटा दिया गया था, तब से जो आयोग है उसके ऊपर प्रेशर और बढ़ गया था और बच्चों ने काफी इस पर कैंपेन भी चलाए थे। तो कल बजट सेशन हमारा था जिस पर बजट पास किया गया, उसमें ही कैबिनेट द्वारा ये प्रस्ताव पास कर दिया गया है। हम देख सकते हैं पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता हुई खत्म। ठीक है, कल मैंने रात को ही ये करीब 11 बजे अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया था हिंदुस्तान का आर्टिकल, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कैबिनेट के फैसले। राज्य सरकार ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ पीसीएस की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र जोड़े गए हैं। ठीक है, जिससे जो उत्तर प्रदेश के कहीं ना कहीं जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत फायदा होगा। अदरवाइज बाहर के स्टेट्स के बहुत सारे छात्र यहाँ पर आते थे और अपने बिना किसी स्पेशल तैयारी के वो एग्जाम क्रैक कर कर ले जाते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो पैटर्न था वो यूपीएससी जैसा ही था हमारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके लिए कार्मिक विभाग के प्रस्ताव सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा व परीक्षा योजना पाठ्यक्रम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। इसके बाद स्केलिंग को लेकर काफी समय से चला आ रहा विवाद समाप्त हो जाएगा। देखिए, मानविकी विषय वर्ग वाले जो बच्चे थे उनको ऑप्शनल में जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी इसमें उतने मार्क्स नहीं मिलते जितने आपको साइंस बैकग्राउंड में मिलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में कभी उनके लगभग 300 प्लस मार्क्स भी जाते हैं, और जबकि इसमें आपका 250 मार्क्स भी लाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जीएस में देखिए सबके ऑलमोस्ट जिनका सिलेक्शन होता है 410 420 तक वो स्कोर करते हैं, 400 प्लस मतलब उनका रहता है। तो इसमें जीएस में बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता था, लेकिन ऑप्शनल में बहुत ज्यादा अंतर पड़ता था, जिससे स्केलिंग भी बीच में होती थी लेकिन स्केलिंग का बहुत कोई खास फायदा देखने के लिए नहीं मिलता था। फिर 2021 की जो मुख्य परीक्षा थी जो मैंने भी दी थी उसमें फिर एक कैपिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, कि मैक्सिमम मार्क्स इससे ऊपर नहीं दिए जाएंगे, उसका भी बहुत सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए नहीं मिला था। और इसीलिए फिर अब इस पर काफी ज्यादा कैंपेन छात्रों और छात्राओं द्वारा चलाया गया, जिसका फायदा हमें देखने के लिए मिल रहा है। और आपकी जो मुख्य परीक्षा है उससे आपके ऑप्शनल की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता थी। मुख्य परीक्षा में विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को मानविकी विषय के अभ्यर्थियों से ज्यादा अंक मिल जाते थे। फिर स्केलिंग के नाम पर अंक घटाए बढ़ाए जाने से किसी को फायदा तो किसी को नुकसान उठाना पड़ता था। ठीक है, पीसीएस 2018 में स्केलिंग को लेकर काफी विवाद हुआ था। स्केलिंग के चलते ही यूपी में दूसरे राज्यों के तमाम अभ्यर्थियों का चयन होने की शिकायतें भी आ रही थी, जो मैंने आपको बताया। इसलिए पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए जाने की मांग तेज हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वैकल्पिक विषय के हटाने का जो प्रस्ताव था वो शासन को आपका भेजा था, और जिस पर वो प्रस्ताव पास कर दिया गया है। अब जो भी परीक्षा स्कीम आएगी आयोग की तरफ से, अब जो अभी क्योंकि 2023 का देखिए नोटिफिकेशन सिर्फ इसी वजह से रुका हुआ था, अब 2023 का नोटिफिकेशन आप मान के चलिए एक इस हफ्ते शायद जहां तक उम्मीद है आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, और 14 मई को आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित है। यूपी से जुड़े सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र जोड़े गए। तो देखिए यूपी स्पेशल अब काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेगा, क्योंकि कल एक फोटो भी देखिए वायरल हुआ था जिसमें पूरी परीक्षा स्कीम या जो परीक्षा पैटर्न था वो दिखाया गया था। तो उसमें 200 प्लस अंकों यानी 200 अंकों के 2 प्रश्न पत्र इसमें जोड़े गए हैं ऑप्शनल को हटाकर। तो वो देखिए अभी उसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑफिशियल साइट से तो कहीं भी नहीं आया है। तो ऑफिशियल साइट पर अगर कुछ भी आएगा तो वो आपको इसी चैनल के माध्यम से शेयर कर दूंगा। इसके अलावा देखिए ये भी छपा है पीसीएस मेंस से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता समाप्त। तो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट आपका सर्टेन है कि ये हट चुका है। सरकार ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके स्थान पर प्रदेश से जुड़े सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र जोड़ दिए गए हैं। देखिए ये मुझे भी काफी बेनिफिशियल लग रहा है, जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं देखिए काफी बड़ी परीक्षा होती है स्टेट की और काफी समय से इसमें लोग तैयारी भी करते हैं, तो उनको इसमें फायदा होना भी चाहिए। और ये देखिए आपका जीएस के लगभग 4 पेपर में आपको ये हेल्प भी करेगा।
ठीक है। तो बहुत स्पेशल तैयारी की इसमें जरूरत नहीं है। अब देखते हैं सिलेबस इन्होंने इसका किस तरीके से बनाया है, उसके बाद ही कुछ कहना इसमें संभव होगा। लेकिन फिलहाल इसमें आपको कहना है जीएस के चारों पेपर में आपको इसमें से फायदा होने वाला है, ठीक है। कैबिनेट ने पीसीएस की मुख्य परीक्षा व परीक्षा योजना पाठ्यक्रम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को पास कर दिया है। इससे स्केलिंग संबंधी विवाद के खत्म होने की संभावना है। गौरतलब है कि मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता थी, इससे विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को मानवीय विषय के अभ्यर्थियों से ज्यादा अंक मिल जाते थे। फिर स्केलिंग के नाम पर आपको कोई अंक घटाने बढ़ाने का खेल इसमें चलता रहता था, जिसका कोई हमें एक ऑब्जेक्टिव आउटपुट देखने के लिए नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये मुझे लगता है काफी अच्छा सरकार की तरफ से स्टेप है और आयोग की तरफ, आयोग ने भी इस पर काफी मेहनत की होगी, क्योंकि देखिए परीक्षा पैटर्न चेंज करना कोई बहुत आसान काम नहीं होता है, ठीक है। काफी समय से चला आ रहा था और आयोग ज्यादातर देखा होगा आपने संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी को ही ज्यादातर फॉलो करता है, लेकिन इस इंस्टेंस में उसने उससे हटकर एक नया काम शुरू किया है। ओटीआर वगैरह भी आयोग ने शुरू किया, जो बहुत अच्छी पहल है मुझे लगता है। आपका जो भी इसमें मानना है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपका ये जो आयोग ने स्टेप लिया है ऑप्शनल हटाने का, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। और ऐसे ही लगातार अपडेट्स पाने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में लगातार हम रेगुलर क्विज पोस्ट कर रहे हैं, आप उनको अटेम्प्ट कीजिए, उससे आपकी तैयारी काफी अच्छी होगी पीसीएस के लिए, आरओआरओ के लिए, या खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ, या अभी हाल ही में जो बंदरगाह की परीक्षा आ रही है उसके लिए। थैंक यू सो मच।